साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज आपके लेके आए हैं पिड्डी का वीडियो। गाय है 1.5 महीने की, जो पशुपालक साथी है याबिन बता रहा है। तो इसमें आज हमें प्रेगनेंसी डायग्नोस करना है। इसमें दोस्तों कैसे प्रेगनेंसी डायग्नोस करते हैं पशु की, क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी होती है, वो इस चीज़ में आपको मैं सारा बताऊँगा। और जो जो फ्लूड रहता है बच्चेदानी के अंदर, जो प्रेग्नेंट गाय होती है, गाबिन है, गाय है, भैंस है, उसमें जो फिटस डेवलपमेंट है कितने महीने में कितनी होती है, जिससे आपको जो पीडी करते हो, हमारा वीडियो देखने के बाद आपको पीडी करने में कोई परेशानी ना आए। तो दोस्तों प्रेगनेंसी डायग्नोस करते समय कुछ हमें सावधानियाँ भी रखनी रहती है। तो वो सावधानियाँ रखनी पशु में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे पीडी करता है, डॉक्टर है, वेटनेरियन है, पैरावेट है, तो कई बार क्या होता है, जैसे कि पीडी करते हैं तो उसके बाद अबोशन कर देता है जानवर। तो कुछ सावधानियां रहती है जो आपको फॉलो करनी है। साथियों आप देख सकते हैं गिर की गाय है और 1.5 महीने की गाबिन बता रहे हैं पशुपालक साथी। अब चेक करते हैं इसमें क्या है, वास्तव में एक्चुअली में क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो जैसे कि सबसे पहले आपको अच्छा लुब्रिकेंट हैंड पे यूज़ करना है और एक फुल हैंड स्लीव का यूज़ करना है इसमें आपको साथियों। उसके बाद आपको रेक्टम में अप्रोच करना है, जो जानवर रहता है उसके गुदा द्वार के अंदर अपना हाथ डालना रहता है। तो सबसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि मैं प्रैक्टिकल वीडियो देखकर घर पर कोई ट्राई ना करे, क्योंकि ये काम है वो एक्सपर्ट के द्वारा किए जाते हैं, या फिर कोई पेशे से वेटनेरियन है या फिर पैरावेट है, उनके द्वारा इस काम को किया जाता है। तो आप घर पर मत ट्राई करना, क्योंकि इससे आपको कुछ पता नहीं लगेगा। क्योंकि जो सबसे पहले जो यूट्राइन बॉडी रहता है उसका फिजियोलॉजी इंसान को सारा का सारा पता होना चाहिए, ताकि उसे चेक करने में जो पशुपालक है उसका भी नुकसान ना हो और डॉक्टर को भी आसानी से पता लग जाए। हम इसे तो सबसे पहले आपको जैसे ही आपने हैंड किया रेक्टम में इंसर्ट, उसके बाद जो जानवर है उसकी सर्विक्स को देखना है, सर्विक्स कहाँ पर है। सर्विस को पकड़ने के बाद आपको सलोली से अपना हाथ है वो जानवर के अंदर थोड़ा और करना है, और उसके बाद जो यूट्राइन हॉर्न है वहाँ तक अप्रोच करना है। क्योंकि 1 महीने की, 1.5 महीने की, 2 महीने का जो पशु रहता है गाबिन, उसके यूट्राइन हॉर्न में आपको बच्चा मिलेगा, उसके बाद यूट्रस बॉडी में आ जाता है। जैसे 3 महीने की या 3.5 महीने की गाबिन चेक करते हैं, उसमें इतनी मुश्किल नहीं होती, हाथ डालते ही पता चल जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा रहता है कि आप अच्छे से उसे पशु को चेक करें। तो साथियों जैसे ही आपको क्या करना है, जो लेफ्ट साइड का हॉर्न रहता है, जैसे मैंने ये लेफ्ट हैंड इंसर्ट कर रखा है, तो ये हाथ इधर जा रहा है ना, तो इधर की जैसे कि ये दो हॉर्न रहते हैं, यूट्राइन हॉर्न रहते हैं, एक लेफ्ट रहता है एक राइट रहता है। तो गाय है भैंस में जो लेफ्ट हॉर्न है यानी जो दाएं हाथ का है वो ज़्यादा सक्रिय रहता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले उसी पर अप्रोच करना है, ताकि जो फिटस रहेगा ना वो लेफ्ट में ही रहता है। तो वहाँ से आपको थोड़ा सा पालपेट ही करना है, जैसे कि आसानी से अपना हाथ इंसर्ट किया और उसे पालपेट करने की कोशिश करनी है। अंदर से अगर दबा दिया तो क्या होगा कि जो फिटस है हो जाती है, तो उसमें जानवर में अबोशन होने का खतरा रहता है। तो आपको सीधे ही अपना हाथ है वो लेफ्ट हॉर्न पे ले जाना है, और वहाँ पर ले जाने के बाद उसे आसानी से, जैसे कि ये मेरा हाथ है ना, तो ये लेफ्ट हॉर्न है, उसे ऐसे पालपेट करना आपको, ऐसे ऐसे दबाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर दबा दिया तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसको अप्रोच करना है आपको और इसे आसानी से देखना है कि इसके अंदर क्या है, एक्चुअल में कोई फ्लूड वगैरह है। जो जैसे कि जिसमें हॉर्न में प्रेग्नेंट रहता है जानवर, जैसे कि प्रेग्नेंट है, अगर उसको हॉर्न में आपको टोनोसिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी, यानी वो बिल्कुल भी आपको हार्ड नहीं मिलेगा, आप जैसे ही अपने हाथ से अप्रोच करते हो बिल्कुल जैसे फ्लूड रहता है, जैसा गूंदा हुआ आटा होता है उसे हम दबाते हैं ना, उस तरह की हमें कंसिस्टेंसी मिलती है वहाँ पर देखने को। तो अपना हाथ आसानी से इसे बिल्कुल लास्ट में फ्लूड आपको इन हॉर्नों में, जैसे कि यूट्राइन हॉर्न जहाँ पर ख़त्म होते हैं उसके आगे फुलोपियन ट्यूब स्टार्ट होता है, तो जो 1.5 महीने का गाबिन जानवर रहता है ना, उसके अंदर आपको फुलोपियन ट्यूब से थोड़ा सा जस्ट पहले आपको जो नीचे की तरफ हॉर्न में जाओगे वहाँ पर आपको थोड़ा स्वेलिंग मिलेगी। तो वो स्वेलिंग क्या है, वो गाय गाबिन होती है, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ, जैसे ही आपने फ्लूड, जैसे ये गाय गाबिन है, लगभग 1.5 महीने की गाबिन है, ये हॉर्न है लेफ्ट का, तो यहाँ पर आप ऐसे अपना हाथ पालपेट कर रहे हो, तो जैसे कि यहाँ से इसे दबाओगे तो इससे यहाँ से पकड़ोगे ना, तो वहाँ पर आपको थोड़ा फ्लूड मिलेगा देखने के लिए। तो
इसे आपको आसानी से करना है, मतलब ये नहीं कि ऐसे पींच दोगे तो पींचोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आसानी से पालपेट करना, वहीं पे वो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिससे आपको अंदाजा आएगा गैबिन है। आप हॉर्न को ऐसे अगर हल्के हाथ से दबाते हो तो कोई गलत नहीं होता, जैसे कि आप गैबिन नहीं है जानवर तो यहाँ से जैसे दबाते हैं अपने हाथ को तो ऐसे टाइट टाइट फील होता है, और अगर जानवर गैबिन है तो यहाँ की कंसिस्टेंसी देखिए आप, ये कितना हमारा जो पम होता है या कितना नरम होता है, इस तरह को आप नो जो आपको ये देखने को, तो आपको इस तरह का जो कंसिस्टेंसी है वो देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, तो आज की इस वीडियो में कुछ इतनी जानकारी थी, गाय है वो 1.5 महीने की गैबिन है, पशु मालिक को हमने बता दिया है जिससे इनको भी संतुष्टि होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।